तो मैंने कहा मैम मैं ये नहीं उतार सकती, मैं आपको चेक कर आ सकती हूँ और आप अलग से मुझे ले जाके अंदर चेक कर लीजिए पूरा, ये उतार के मैं पिंस उतार दूंगी, मैं क्लचर उतार दूंगी, मैं इयर रिंग्स उतार दूंगी, पर मैं ये पूरा हिजाब नहीं उतार सकती। योनान मिश्र रोमा सब मिट गए हैं जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। रिलीजियस आइडेंटिटी सुनने में तो बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन हमारी संविधान की खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। भारतीय संविधान हर नागरिक को सम्मान सहित अपने धर्म का पालन करने की पूरी इजाजत देता है, लेकिन उमैया खान को ये इजाजत नहीं मिली। तो वहाँ पर एक मेल स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने मुझसे बोला, मतलब उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड देखा, आइडेंटिटी कार्ड देखा, पैन कार्ड और फोटो देखा मेरा। तो मैंने बोला सर मैं ये नहीं उतार सकती, ये मैं आपको चेक, मैं अंदर चेक करा दूंगी, फीमेल स्टाफ होगा, उन्हें पूरा उतार के सब कुछ अबाया और हिजाब अपना, लेकिन मैं ये उतार के नहीं बैठ सकती क्लासरूम में। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला मैम मेरा फोन बैग में रखा है और मैं जो है ये एडमिट कार्ड है, ये पैन कार्ड है और ये फोटो है। तो उन्होंने बोला कि ये उतार के और बैग में रख दो। तो मैंने कहा मैम मैं ये नहीं उतार सकती, मैं आपको चेक करा सकती हूँ और आप अलग से मुझे ले जाके अंदर चेक कर लीजिए पूरा, ये उतार के मैं पिंस उतार दूंगी, मैं क्लचर उतार दूंगी, मैं इयर रिंग्स उतार दूंगी, पर मैं ये पूरा हिजाब नहीं उतार सकती। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं ये तो उतारना पड़ेगा, ये तो हमारे रूल्स में ही तो उतारना होगा। मैंने कहा मैम ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है गाइडलाइंस में, तो मैं कैसे उतार दूंगी। मैंने कहा मैम हॉल टिकट में कहीं नहीं लिखा है और मैं उतार नहीं सकती, आप मुझे चेक कर लें जैसे भी करना है, मेरा एग्जाम लेट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम में ये उतार के नहीं बैठ सकती। उमैया खान जामिया की MBA की स्टूडेंट है। उमैया खान को नेट GRF का एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं देने दिया गया क्योंकि वो स्कार्फ पहनती थी, वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी, लेकिन संघी मानसिकता ने उसके उड़ते हुए पंखों पर कैंची चला दी, उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। इस देश की फिजाओं में नफरत के जहर के साथ साथ अब शिक्षा का भी भगवाकरण हो चुका है, जो सिर्फ किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की तरक्की के लिए घातक प्रहार है। एक्चुअली मैं टाइम से पहले ही पहुंच गई थी, 1:15 पे एंट्री होती है, तो मैं 1:05 या 1:06 पे पहुंच गई थी गेट पे, जहाँ पर लोकेशन थी मेरी, सेक्टर 18 रोहिणी। और उन्होंने मतलब जैसे ही मैं अंदर गई हॉल टिकट दिखा के, मैं ही एक हिजाब में थी वैसे उस टाइम पे, तो मुझे मतलब मैं और कोई होता तो मैं शायद ज़्यादा लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि जाते ही मतलब मैं गेट पे थी और मेल थे वो, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये उतारिए और ये उतारिए और इस ये लगा के आप एग्ज़ाम नहीं देंगी। तो मैंने उनसे बोला कि लेकिन मतलब मैं ये नहीं उतार सकती हूँ, मैं चेकिंग पूरी करा लूँगी ऊपर से नीचे सब कुछ हटवा के, लेकिन मैं ये उतार नहीं सकती, उतार के एग्ज़ाम नहीं दे सकती, मैं अपने बाल नहीं दिखा सकती। और तो उन्होंने बोला नहीं ये तो आपको उतारना होगा। मैंने कहा मेरा रिलीजन में अलाउड नहीं है, मैं नहीं उतार सकती क्योंकि मैं लगाती हूँ ये। तो उन्होंने बोला नहीं ये बिना उसके फिर तो आप एग्जाम मत दीजिए, लेकिन ये तो लगा उतारना होगा। अच्छा, क्या ये सिर्फ आपके साथ हुआ या कुछ और भी छात्रा आपके साथ मौजूद थी, या फिर मतलब ये सिर्फ आपके साथ हुआ, इससे पहले भी किसी के साथ हो चुका है, या और भी छात्रा थी जो हिजाब पहन के आई थी और उनको भी यही बोला गया, आपके नॉलेज में ऐसी कुछ लड़कियाँ और है? मेरे सेंटर में तो मतलब कोई हिजाब ही नहीं था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि एक दो केसेस और हुए ऐसे जहाँ पर हिजाब की वजह से अंदर एग्जाम देने नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, इसलिए मैं आगे आई हुई और मैं चाहती हूँ कि सब जिनके साथ हुआ ये वो। उसके बाद से आपने क्या किया, आप वहाँ से चली आई या किसी के पास गई और कंप्लेन किया आपने? नहीं, मैंने पहले जब उन्होंने गेट पे बोला तो मुझे लगा मैं किसी लेडी से कहूँगी तो वो समझ सकती हैं कि नहीं उतार, जब पहनती हूँ मैं कंटिन्यूस तो मैं नहीं उतार सकती है। तो वहाँ एक लेडी बैठी थी, वो फ़ोन सबमिट कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि मैं मैम मुझे ये उतारना होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये उतार के बैग में रखो। ये अंदर क्लास में अंदर जाने के बाद बोला गया या बाहर बोला गया? बाहर बोला गया, मतलब गेट पे एक मेल थे और फिर थोड़ा सा अंदर जाके एक फीमेल बैठी थी, तो उन्होंने मुझसे बोला अंदर क्लास में, वो उतार इसी शर्त पे जाने दे रहे थे कि मैं ये उतारूँ हिजाब। वैसे आप हिजाब बचपन से पहनती है? नहीं, मैं 9th क्लास से पहनती हूँ। अच्छा, उसके बाद से आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, क्या आपके साथ इससे पहले भी कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ या ये पहली बार था? नहीं, लास्ट टाइम मैंने SSC का टेस्ट दिया था, तो उन्होंने भी बोला था कि ये सब नहीं होगा और आप ये उतारिए, तो मैंने कहा था आप मेरा चेक कर लीजिए और, लेकिन मैं ये उतार नहीं सकती, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप कान दिखा के और फिर दे सकती हैं। तो मैंने ये पूरा खोला था, ये सब कुछ हटाया था, पिन हटाई थी और कान के पीछे करके, मतलब सर नहीं मेरा बाल नहीं, उन्होंने बोला। लेकिन इस बार ये लोग नहीं माने? नहीं, इस बार इन लोगों ने बोला कि नहीं आपको बाल देखने पड़ेंगे, बाल देख। मैंने कहा बाल देख के क्या होगा, आप मेरा कान देख लीजिएगा, मैं कान के पीछे कर लूँगी ये, और मैं मुझे देने दीजिए, मतलब आप पूरा चेक करिए मेरा सर। अच्छा, चेक करने वाले कौन थे, जेंट्स थे या लेडीज़ थे?
नहीं, लेडीज थी, फीमेल के लिए लेडीज ही थी चेक करने के लिए, और उनसे मैंने बोला भी था कि आप मुझे अंदर जाके चेक कर लीजिए पूरा, लेकिन मैं ये वहाँ पे पहन के बैठूंगी क्लासरूम में।